Hello everyone, today I'm gonna show you my new DJI Air 2S, a much capable drone for cinematic videos. My name is Anirudh, you're watching Rudra Shoots. Let's get started. तो मैं ये ड्रोन पिछले एक महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अमेजिंग ड्रोन। स्पेशली जो लोग पोस्ट एडिटिंग में वर्क करते हैं, जिन्हें पोस्ट प्रोसेसिंग चाहिए, यू नो इट्स अमेजिंग। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद माय अनबॉक्सिंग और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने कुछ सिनेमैटिक शूट्स भी इसमें ऐड किए हैं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि क्या कैमरा कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसमें। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, लेट्स गो। इनसाइड द बॉक्स यू गेट दिस बैग और इस बैग में आपके सारे ड्रोन के अटैचमेंट्स प्लेस्ड हैं। सो वंस यू ओपन दिस बैग यू गेट दीज अटैचमेंट्स। सो दीज आर ड्रोन प्रोपेलर्स, बैटरीज, रिमोट कंट्रोलर, एनडी फिल्टर्स, चार्जर एंड चार्जिंग हब। सो लेट्स मूव ऑन टू वन बाय वन। सो फर्स्ट वील चेक द रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सो इसमें आपकी जॉयस्टिक जो है साइड में प्लेस्ड है, ईजिली आप निकाल करके इनको अटैच कर सकते हैं, देन डिटैच करके फिर से आप ऑन द गो ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट वी हैव दीज स्मार्ट इंटेलिजेंट बैटरीज जो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है ताकि बैटरी आपकी स्वेल ना हो लॉन्ग टाइम में। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दीज 8 पेयर ऑफ प्रोपेलर्स ड्रोन के अलावा। तो ये आपका चार्जर है, इसमें ये आप बैटरीज में अटैच कर सकते हैं वेरी इजीली। तो लेट मी शो यू। तो चार्जिंग हब आपको लेना है, इसमें साइड में इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं एंड देन ऊपर से इसमें आप जो है बैटरीज लगा सकते हैं। लेट मी शो यू। तो बैटरीज को आपको इस तरीके से अटैच करना है एंड देन यू गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट वी हैव दीज एडिशनल केबल्स। तो ये आपका चार्जिंग केबल है जो रिमोट कंट्रोलर को चार्ज करेगा। नेक्स्ट वी हैव दीज रिमोट कंट्रोलर केबल्स, आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन उनकी टाइप सी के हिसाब से। तो ये आपका या रिमोट कंट्रोलर में इस तरीके से अटैच हो जाएगी केबल जहाँ पे अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दीज एडिशनल जॉयस्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दीज एनडी फिल्टर्स। सो एनडी फिल्टर्स आर वेरी क्रूशियल। तो ये इज द सेम वे लाइक यू हैव सन ग्लासेस, दिस इज फॉर द ड्रोन। सो अगर ब्राइट सनलाइट कंडीशन है वहाँ पे आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं। वेरी नाइट एंड वेरी क्लीन पैकेजिंग डी जी आई हैज़ प्रोवाइडेड। हेयर वी हैव द ड्रोन इट्सेल्फ। सो ड्रोन आपका जो है उसमें आपके प्रोपेलर्स अटैच नहीं होंगे। लेट मी शो यू आप इन प्रोपेलर्स को कैसे लगा सकते हैं। सो प्रोपेलर्स के आपको प्लेस करना है इसमें और इसमें प्रॉपर आपका कट बना हुआ है जिस कट के अंदर आपको रख के एक ट्विस्ट करना है और किस डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है वो आपका प्रोपेलर्स के ऊपर ही डायरेक्शन बना हुआ है। तो आपको टाइटली फर्मली इसको चेक करना है। फ्लाइट जब आप लेंगे तो कोई भी यहाँ पे ऐसा मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स अटैच द बैटरी एंड नाउ वी आर गुड टू गो। टॉकिंग अबाउट द कैमरा कैपेबिलिटीज ऑफ दिस ड्रोन, दिस इज गॉट द 1-inch सेंसर। तो इसमें आपका 1-inch सेंसर आता है। एडिशनली आपको फ्रंट एंड बैक और आपके टॉप
जो सेंसर्स हैं अवेलेबल हैं। एडिशनली बॉटम सेंसर्स आपके हर ड्रोन में अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये लैंड करना होता है। सो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 4 साइड के सेंसर्स अवेलेबल हैं जिसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। सो 4 साइड्स के लिए है, साइड अवेलेबल नहीं है, बट देन अगर आप इसको पैरेलल ऑटो एक्टिव ट्रैक पे इसको एडजस्ट करते हैं तो दीज सेंसर्स जो यहाँ पे ऊपर अवेलेबल हैं ये आपके एडिशनली टॉप प्रोटेक्शन और थोड़ा सा साइड प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपका जो सेंसर है यहाँ पे 1 inch, सो दिस सेंसर प्रोवाइड्स यू अ कैपेबिलिटी टू शूट इनसाइड डी लॉग। तो डी लॉग फुटेज आई थिंक जो वीडियो एडिटर्स हैं वो जानते होंगे, डी लॉग आपका जो है पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिशनल कलर्स आप अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अ सेम वे लाइक DSLRs में आपका रॉ फुटेज है, दिस इज़ प्रोवाइडिंग अ डी लॉग विच इज़ DJI's ओन एल्गोरिदम सो दैट यू कैन एनहेंस एंड बूस्ट कलर्स फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग। दिस थिंग कैन फ्लाई अप टू 68.4 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज़ गॉट अ गुड विंड रेजिस्टेंस एंड 1 month से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। द फंक्शनैलिटी, द मनूवरिंग, इट्स अमेजिंग। आप इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। एडिशनल फीचर जो यहाँ पे अवेलेबल है DJI का जस्ट फॉर A2S विच इज़ मास्टर शॉट्स। मास्टर शॉट में जब इसको एक्टिव करेंगे तो ड्रोन बेसिकली आपका एनालाइज करता है आपके सराउंडिंग को एंड ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ शॉट्स को मर्ज करके क्लिप क्रिएट करेगा ऑल बाय इटसेल्फ। सो हैव अ लुक। Apart from this, we have additional feature of active track as well. So DJI has improved the active track. So अब active track जो है आपका काफ़ी efficient है और ये parallel tracking जो है काफ़ी smoothly करता है। So let's see one of this clip. So now coming to the cinematic shoot, here is a short trip with this DJI Air 2S. Have a look. In the sweet despair, I find something true. Already left.
If you enjoy this video, please give it a like. And if you have any feedback, please comment. And also, I'm gonna make a video on the ND filters. So, ND filters ke upar jald hi main ek video banane wala hun. When and how to use ND filters. So, if you wanna see that video, please subscribe. Agar aapko night video capabilities dekhna hai, to please ye video pe click karein. On rest, if you want to check for travel vlogs and travel contents, aap yahan check kar sakte hain. And this was it for today's video. Thank you so much for watching. Stay connected, be safe, and keep smiling. I'll catch you in the next one.